और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। 3 साल बेमिसाल, इसी फील गुड के मूड में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपनी उपलब्धियों का डंका बजा रही है। ये सच है कि कोरोना महामारी सरकार के सामने बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हुई थी। उससे निपटने की जद्दोजहद में सरकार के 2 साल का वक्त गुजर गया। बावजूद इसके सरकार ने जन सरोकार से जुड़े भी काम किए हैं, उसकी सराहना होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहलोत सरकार के कई काम किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने क्या काम किए हैं, इसे जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा से खास बातचीत की है, सुनिए। राजस्थान में गहलोत सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे की, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, जिसकी जिम्मेदारी है मंत्री परसादी लाल मीणा जी के ऊपर। सर, उपलब्धियों की बात करें इन 3 सालों की, तो क्या कुछ उपलब्धियाँ आप देखते हैं? हमारी सरकार ने 3 साल में हर क्षेत्र में मेडिकल में बहुत बेहतर काम किया, और सबसे बड़ी जो महामारी हमारी आई कोविड 2019 में, उसमें निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम, बहुत ही लोगों को सुरक्षा प्रदान की। जब कोविड हमारे मार्च 2020 में आया तो हमारे उसकी जांच के कोई साधन नहीं थे, और जांच के लिए हमको शुरू शुरू में जब केस आए दिल्ली और पुणे भेजने पड़े, जहाँ 5 से 7 दिन का टाइम उनकी रिपोर्ट आने में लगा। जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे ज़िलों में इसकी जांच की सुविधा के तंत्र स्थापित किए, जांच की सुविधा दी, और आज हर ज़िले में पूरे ज़िलों को मिलाकर 1 लाख से भी ज़्यादा पर डे की जाँच की सुविधा हमारे राज्य में है। अब आपके पास, सरकार के पास 2 साल रहेंगे, इन 2 सालों में आपकी क्या सोच रहेगी कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं राजस्थान को कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसके जरिए राजस्थान का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो और मजबूत हो सके? देखो, राजस्थान के जो स्वास्थ्य ढांचे में है, डॉक्टर, NM और कंपाउंडर की जो गाँव स्तर तक है, सब सेंटर है, PSC है, CSC है, वहाँ सारे संसाधन होंगे तो लोगों का इलाज वहीं हो जाएगा। जहाँ हमारी दवाई फ्री है, PPP मोड पे हम फ्री जांच करने की सुविधा दे रहे हैं, पर वहाँ डॉक्टर, NM अगर हमारा स्टाफ नहीं होगा, वो संसाधन क्या काम आएंगे? हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर, NM, कंपाउंडर वहाँ हेडक्वार्टर पर रहे, चाहे अस्पताल का समय 8 घंटे का ही क्यों नहीं हो। एक मेरा अंतिम सवाल, कोरोना प्रबंधन में राजस्थान ने एक नज़ीर पेश की, खुद प्रधानमंत्री इसकी तारीफ कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत कहना मैं कुछ बाकी नहीं है। आपने एक मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री के सामने जब समीक्षा बैठक चल रही थी कि सेकेंड जो डोज है उसका लगना आवश्यक है और उसमें सख्ती भी करनी होगी। आपकी गृह विभाग से भी बातचीत हुई है, क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर सख्ती होनी चाहिए? बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप क्या सोचते हैं? 31 दिसंबर तक का हमने टाइम दिया है कि सबकी डोज लगवाएं, सेकंड डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज को भी लगवाएं। 31 दिसंबर तक जो लोग नहीं लगाएंगे, फिर हमने होम मिनिस्टर से बात करके सख्ती करने का भी फैसला किया है, कि क्योंकि जीवन सबका अमूल्य, एक अगर कोविड होता है तो उस कई लोगों में फैला देता है। डेल्टा वेरियंट ऐसे फैलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर 31 दिसंबर तक जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाए तो उनके साथ फिर 31 दिसंबर के बाद कोई नीति बनाकर उनके साथ सख्ती करने का फैसला किया है। तो आपसे, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन से लेकर वैक्सीनेशन के तमाम कार्यक्रमों से लेकर और राजस्थान सरकार की जो तमाम योजना है उनको जनता तक समर्पित करने के लिए राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बेहतरीन काम किया है, और आने वाले 2 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इन 2 सालों में सीधे तौर पर जनता से जुड़ी जो तमाम योजना होंगी वो जनता को समर्पित की जाएंगी। सहयोगी देव के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।